हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज एंड एग्जाम में। आज जो TGT बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है देख लेंगे। पहला प्रश्न, विच फंजाई कैन बी डिफेक्ट द कॉपर इंट्रेसेस एंड यूज इज द बायोएसेस। तो इसका जो हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्परजिलस नाइगर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे, एंजियोस्पर्म जो विकसित हुए थे तो वह हुए थे सीनोजोइक एरिया में विकसित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित जो मॉलिक्यूल्स हैं वह है प्रोटीन, वह क्या है, वह प्रोटीन है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का, जो कुछ जीव तापमानों के व्यापक परा सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं ये कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं यूरोथर्मल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर हो जाएगा वह आंसर जो है ए हो जाएगा, इसको मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर होगा, पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलन है, तो यह उभयचर यानी जल, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों के लिए अनुकूलन है, इसका उभयचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो होगा, विषाणुओं के संबंध में गलत है, तो यहाँ पे जो विषाणु जो है स्पोरोफिटिक्स नहीं होते हैं, यह गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकिन में लैंगिक जनन का संपादन होता है, तो लाइकिन में लैंगिक जनन का जो संपादन होता है यह फंजाई के जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कुल में किसमें बाह्यदल जो पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कंपोजिटी कुल में पाया जाता है। होमोलोगस इंडिकेट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, या बोथ हो जाएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे, अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, तो जो सेग्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, तो CO2 गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोप्लिन जोड़ने वाली कड़ी है, तो यह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश जो है एक्सोसिटस है। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अवनतशीलीन रूपांतरण दिखाता है, तो ये जो दिखाता है यह है रुडेरनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पैरामीशियम की किस प्रजाति जुग्रला सहजीवी दर्शाता है, तो यह जो दिखाता है यह है बर्सेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो यह ब्राउन ने किया था सबसे पहले उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीब्रायट समूह के अंतर्गत आता है, तो यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सिट्रस कैंकर्स नामक रोग होता है, तो यह बैक्टीरिया कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा वल्की संवहन बंडल्स किसमें मिलता है, तो यह ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम जो बने होते हैं या डीएनए और स्टोन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिस्कंदन मिश्रित मानव रक्त को यदि अभिकेंद्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अभिकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से फैसियोला के किस डिम्बक अवस्था से कोई भी डिम्बक उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखेंगे निम्न में से कौन सा कीट शैवाल उत्पन्न करता है, तो जो शैलाग उत्पन्न करता है, सॉरी दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लैसीफेरा लशाका जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तनधारियों का युग कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सीनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देखेंगे मेढक विच टाइप ऑफ द ज्वाइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल्स एंड द पेल्विक ग्रैडियल्स फ्रॉम द फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति का पैरिटीमा का जो जो कछुए का जो रक्त है लाल दिखाई देता है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, इसके जो रक्त होते हैं वह प्लाज्मा में घुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, कस मोटिल सेल्स विथ फ्लैजेला आर टुगेदर अब्सेंट, किसमें जो होते हैं जो फ्लैजेला अब्सेंट होते हैं, फ्लैजेला नहीं पाए जाते, किसके स्पोर में फ्लैजेला नहीं पाए जाते, तो इसका जो होगा साइनोफैसिक कुल के सवाल में जो होता है फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ए कैविटी फॉर्मेड बाय द डिस्टिनेजरेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रेचिया ऑफ द इकोसिस्टम, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एयर चैम्बर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मलेरिया की दवा के लिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ब्रैक ऑफ द सिनिकोना। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन होगा पुरकिंजे फाइबर आर फाउंड, तो इस ये हार्ड हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा हिरोडोनिया ऑप्शन सी, इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कृत्रिम ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन जो है यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है यह कृत्रिम ऑक्सीजन सप्तम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, शुक्राणुओं के पुष्प में किसकी बनी होती हैं, तो जो स्पर्म्स जो बने होते हैं वह माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, इसमें जो फ्लैजेला होते हैं 9+2 के सीरीज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 35 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न करणीय प्रदूषक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका डोमेस्टिक स्वेज। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे, क्वांट्रीफ्लैजेलेट्स कंडीशंस ऑफ जियोस्पोर इज फाउंड, तो यूलेट्रिक्स में पाया जाता है, पाइनस की बीजांड सल का हिस्सा है, तो इसका जो जाएगा राइट ऑप्शन ए होगा मीजो मेगा स्पोरोफिल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इंडोथेलेशियम इससे संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बीजांड के आंतरिक आवरण से। क्वेश्चन नंबर 39, टीएच मॉर्गन ने अपनी सभी आनुवंशिक कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था, तो ड्रॉसोफिला का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 40, क्लोरोप्लास्ट में अधिक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे अधिक रुबिस्को में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कुछ जातियों में पाया जाने वाला संजात अंगों का आकार स्पष्ट नहीं होता है या कहलाते हैं अवशोषी अंग कहलाते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, तो एगेरिकस में जो होते हैं असेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 43, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल डिलीवर टू द इंटरसेलुलर टारगेट टू द सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गॉल्जी बॉडीज, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल्स डे 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे। बेंथम, हुकर्स, कोहार्ट्स, आज के समकक्ष इसको आर्डर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेडोनिया रेंगीफेरा, रेंजीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो डाइसैक्राइड जो ग्लैक्टोज नहीं है या करेक्टली मैच नहीं है। 48 देख लेंगे, द माउथ पार्ट ऑफ द मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, लीफ क्रूअल्स ऑफ पपाया डिजीज इज केस्ड बाई, तो यह जो होता है वायरस कारण होने वाला है। विच इज ए लाइकेंस, तो आइसलैंड मॉस इज लाइकेन, एक प्रकार का लाइकेन है यह। क्वेश्चन नंबर 52, इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंस, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, वंशित गुणों का चयन। क्वेश्चन नंबर 53, इन ए फुट वेव हाइनेस आर वल्चरर्स, तो खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं, तो ये होते हैं स्क्वेंजर्स यानी अपमार्जक होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 54, पॉलिटीन गुड़सूत्र किसके द्वारा खोज किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इजी वाल्वियाना। रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हैमबर्गर फिनोमिनोन्स के द्वारा, कोलराइट शिफ्ट जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट्स, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, द चीफ फंक्शन ऑफ द, इसका जो देख लेंगे, तारा मछली के पेटी सेलेरी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका डिफेंस में है इसका कार्य। क्वेश्चन 58, द केस ऑफ द सेरेब्रम मलेरिया, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम पैलिसिफेरम्स। क्वेश्चन नंबर 59, एलेस्टर इज मार्केंडसिया आर डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, जीनोफोर इज ए नेम्स, जीनोफोर का नाम जो होता है डीएनए और बैक्टीरिया को जीनोफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे, मॉर्फोलॉजिकल्स एंटोमीबा हिस्टोलिटिका अकर इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, तो इसका राइट हो जाएगा 2। बॉटनिकल नेम ऑफ द रोज हुड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डलबेरिजिया, लैंडिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, इन ए टाइपिकल टेस्ट क्रॉस ए प्लांट्स सोइंग डोमिनेंट्स टू फिनोटाइप्स इज क्रॉस्ड विथ द प्लांट सोइंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रेजेंस ऑफ बोन इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स का है, आसान सा सवाल था यह। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेंगे, ऑरेलिया में उच्छ्वासित जलधारा कहाँ से वापस आती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 66, द लेथल जीन आर लार्जली रिसीव्ड हेंस द प्रोड्यूस इफेक्ट स्टेट्स, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 67, यूरोमैस्टिक्स का सामान्य नाम क्या है, तो इसका यूरोमैस्टिक्स का सामान्य नाम जो है स्पाइन टेल्ड लिजार्ड। 68, स्कॉलिडियन में लोरेनजिनी की एम्पुली का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है थर्मोरिसेप्टर्स का कार्य होता है। तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र के विषयक नियंत्रित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्लैकेला स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स में पाया जाता है। राइजोफोर इज फाउंड तो यह सिलेंजिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलाजोगैमी फर्टिलेशंस अकर, तो यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैसुयाना, यानी कैसुयाना में यह पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, यह किस में पाया जाता है, यह जो होता है क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैजुराइना में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 पावर ऑफ रीजेनरेशन इन द स्पंज इज ड्यू टू, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा आर्क्योसाइट्स। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 नेरिस अपने नाइट्रोजनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफेडिया से बाहर करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी एथिलीन्स उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है यह है ए वैलेस, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में गेहूं के रतुआ रोग की वार्षिक प्रवृत्ति का किसने वर्णन किया था, तो किया गया था केसी मेहता के द्वारा। भारत इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। सॉयल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट काल, ये जो ऑप्शन ए होगा क्रिसार्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट गिडर्ल्ड लीफ ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण है, तो ये जो विशिष्ट लक्षण है ये साइकस का है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक लघु बीजाणुधानी में टेप्टम सामान्यतः इसका एक ही स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेंगे। लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वसंगति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किस क्लासिकल का उदाहरण लिया था, तो जीराफ का उदाहरण लिया था। क्वेश्चन नंबर 82 यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका का अंगन गतिमान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी प्रयोग किया जाता है, एक्टिन फिलामेंट्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्लेवेज इन फ्रॉग्स, जो फ्रॉग का क्लेवेज होता है वह होता है होलोब्लास्टिक्स एंड यूनिक्वल प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 85 ऑर्किल्स नामक नीले रंग का रंजक जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है इवेडमिया प्राणुष्ट्री के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 86 इन पी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर्यावरण के समस्त जीव सजीव, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इकोसिस्टम हो जाएगा। पर्यावरण के समस्त सजीव और निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र जो होता है वह इकोसिस्टम ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 89 इसका जो होगा कोशिका गुच्छी निषेधन का लगभग 80% पूर्ण औसत किया जाता है, तो यह पहला ही है प्रॉक्सिमेटल्स कन्वेलेटेड ट्यूबवेल्स में ही औसत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करीकरण करता है, तो यह इसका राइट ऑप्शन होगा मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 91 देख लेंगे। इन विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 93
स्वयं उज्जैल सो नोन इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स पोजिशन द फ्लैजिला विब्रियो कोलोरम, कितने फ्लैजिला होते हैं? तो विब्रियो कोलोरा में जो होते हैं फ्लैजिला संख्या एक होती है, उसको मोनोट्रिकस कहते हैं। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन आर द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। 96 का देखेंगे, इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग किस में रखा गया है? तो ऑप्शन बी होगा, ओरिएंटल रीजन में रखा गया है। 97, डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन सिग्मॉइड प्रकार का होता है। 98, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूग्लेना कंपोस्ट ऑफ द, ये सभी प्रकार के पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोनाइड। 96 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96, द इक्वेशन ऑफ द लैक्टेट एलेनाइंस ग्लिसराइन ग्लूकोज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग, यानी ग्लूकोजेसिस कराती हैं, यानी ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। 96, क्वेश्चन नंबर 101, द फर्स्ट एंड द फाइनल माउथ इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस अगर इन द इंटेस्टाइना में होता है या 102, क्वेश्चन नंबर 102 का हो जाएगा, निम्न में से किसमें मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती? तो ऑप्शन डी होगा राइट ऑप्शन। 96, क्वेश्चन नंबर 130, नर्व सेल्स इज फाउंड, तो रिक्सियम पाई जाती हैं। 96, क्वेश्चन नंबर 140, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा प्लांटेगो ओवटा। 96 है, सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज या निगेटिव हमेशा होता है। 96, ओबेलिया में सिनोसारक्स होता है तो ट्यूबलर एंड लिविंग होता है। 96 है, अर्लियर इवेंट्स ऑफ द सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूट्स टू, इसका हो जाएगा नियंत्रणल मानव। 96 है, सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता, तो यह पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है। 96 है, क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? तो बोन्स जो है अवशोषी अंग नहीं है। 96, निम्न में से किस जंतु में व्हील आर्गन उपस्थित होते हैं? तो एम्फी, ये जो है एम्फी आवक्स में से उपस्थित होते हैं। 96 है, क्वेश्चन नंबर इसका 111 का ए हो जाएगा। 96 है, क्वेश्चन नंबर रूपात्मक द्विरूपता के थैलस पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ओडोगोनिया में पाए जाते हैं। 96, एक्टिनोस्टेल्स किस में पाया जाता है? तो लाइकोपोडियम सेरेटम में पाए जाते हैं। 96 है, क्वेश्चन नंबर ड्यूनिसेशन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया था, तो यह ड्यूनिसेशन की परिघटना सबसे पहले ए जी नवानिशंस के द्वारा देखा गया था। 96 है, निम्न में से किसके कारण गैस्टूला एम्फियाक्स गैस्टूला से अधिक उलझा हुआ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। 96, निम्न से किस में आहार नालिका नहीं होती? तो टीनिया में आहार नालिका नहीं होती है। 96, क्वेश्चन नंबर 170, कैम प्लांट एट नाइट्स प्रोड्यूस मैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। 96 है, निम्न में से कौन सा फिनोलिक्स हारमोन्स है? तो एंड्रिलिन्स फिनोलिक हारमोन्स है। क्वेश्चन नंबर 119 का जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, युग्माधानी समूहन सामान्यतः पाया जाता है, तो यह जाइगोमेसिटीज में पाया जाता है। साइकस के बीजांड में निम्न में से कौन सा ऊतक हैप्लॉयड है? इसका आप लोग देख लेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 120 ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है, तो यह केवल ऑक्सीजन में होता है, यह इसका जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 पैलीमांस संतुलन किस उपांग के अंतर्गत उपस्थित होता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा जहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 124 का देख लेंगे तो इसका जो हो जाएगा ए होगा, और दोमट मिट्टी में मृदा का कण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी 50% सैंड एंड 50% क्ले। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।